और सेवा के बैलेंस, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नशे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी हम। तो हम सभी बाबा के वानप्रस्थी बच्चे हैं, और जो वानप्रस्थी होते हैं उसकी निशानी बाबा कहते हैं कि वो नाज रखे नहीं करते, जैसे बचपन में छोटे बच्चे करते हैं उस प्रकार से। वानप्रस्थी की यहाँ पर बाबा दो बातें कहते हैं कि उनका एक ही कार्य रह जाता है, फिर बात याद और सेवा, अर्थात वो उठते हैं तो भी बाप की याद और सेवा है और सोते हैं तो भी बाप की याद और सेवा है। बाप की याद और सेवा का बैलेंस वह यह जो है वानप्रस्थी अवस्था में सदैव रहता है, और इसके लिए बाबा कहते हैं कि त्रिकाल दर्श बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, त्रिकाल दर्श बनो इसके लिए। और त्रिकाल दर्श बनकर ये जो बचपन के संस्कारों का या बातों का समाप्ति समारोह मनाना है। सो बाबा हम बच्चों को सच्चा सच्चा वानप्रस्थी भव का वरदान देते हैं, और यहाँ पर बाबा वानप्रस्थी की निशानियां भी बताते हैं। संसार की जो आत्माएं हैं उन आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था देह के आधार से होती है। वह समझते हैं कि जब वो 60 साल 65 साल 70 साल के जब हो जाते हैं तब उन्होंने संसार से निवृत्त हो जाना चाहिए, अर्थात वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। पहले जमाने में था ऐसे कि राजाएं जो होते हैं वह जब वृद्ध हो जाते बच्चों को उनका राज्याभिषेक करा के आगे की यात्रा के लिए परमात्मा की याद में रहने के लिए या फिर सेवा करने के लिए निकल जाते थे, तो उस समय तो वानप्रस्थी दिखाई देते थे, अर्थात जो लोग थे वो, परंतु अभी वर्तमान में वानप्रस्थी तो हो ही नहीं सकते, अर्थात घर बार छोड़कर कहीं कहाँ जाए अभी। तो वास्तव में बाबा हमें दरबार छोड़ने के लिए कहीं जंगल में जाने के लिए नहीं कहते, बाबा भी हमें वानप्रस्थी अवस्था का सच्चा सच्चा अर्थ बताते हैं। और ये वानप्रस्थी अवस्था क्या है, इसमें पीछे भी हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन फिर भी ये शब्द आया है तो थोड़ा इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, वान और प्रस्थ। वान अर्थात प्रकार होता है, जैसे कोई बीज लेने हम जाते हैं किसी दुकान पर तो वहां कहते हैं कि भैया ये कौन से वान का है, अर्थात किस प्रकार का ये बीज है। तो मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धत्व तक उनको कुछ ना कुछ बनना होता है, अर्थात जिस मेवान ये शब्द आता है, जैसे बचपन में हमें बुद्धिमान बनना होता है तो हम कहते हैं भगवान को कि हे भगवान मुझे बुद्धिमान बना दो। थोड़ा जब समझ आती है इस देह के तो अपने देह को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, अगर सुंदर हो तो उसको और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं भगवान को कि मुझे रूपवान बना दो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहते कि भगवान मुझे धनवान बना दो। आगे बढ़ते हैं, शादी हो जाती है, कहते पुत्रवान बना दो। तो ऐसे अलग अलग समय पर जीवन के अलग अलग मोड पर परमात्मा से हम अलग अलग बातें मांगते रहे, कुछ ना कुछ बनना ही था हमको। लेकिन इन सर्व सफर में जो वान एक जो शब्द आता है वान, उसमें भगवान वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। तो ये जो समय होता है, ये जो जीवन की
जो यात्रा जिसको वानप्रस्थ यात्रा कहते हैं, वहां पर अब एक ही कार्य रहता है मनुष्य आत्माओं को कि वो कार्य कौन सा, कि भगवान को याद करना। तो लोग इसीलिए जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं तो उनको आप हमेशा देखेंगे कि सत्संग में ज्यादा होते हैं और कहते कि अब ऐसा समय है कि आप लोगों ने सत्संग में ही भगवान की याद में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और होता भी ऐसे ही है, प्रकृति भी वही चाहती है हम आत्माओं से। प्रकृति भी हमारी माँ है और वह भी हम आत्मा रूपी बच्चों की सेवा भी करती है। वह जानती है कि जीवन की इस यात्रा में आपने अनेक सारी बातें की है और आत्मा थक गई है, इसलिए वह भी चाहती है कि अभी अंतिम समय में प्रकृति पति परमात्मा को याद करके आत्मा रूपी बच्चे शक्ति को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। इसलिए प्रकृति भी हमारे शरीर के जो कर्मेंद्रिया होती है, जिन कर्मेंद्रियों के आधार से हमने जीवन में सफलताओं को प्राप्त किया होता है, अनेक ऊंचाइयों को छुआ होता है, तो समय अनुसार वो कर्मेंद्रिया भी शिथिल होती जाती है। जैसे हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, ऐसा प्रकृति अभी कहती है कि इन आंखों से जो कुछ देखना था वह आपने देख लिया, इन आंखों से जो भी कुछ कार्य करना था इस संसार के श्रेष्ठता के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, वो तुमने अभी कर लिया। अब इन आंखों का प्रयोग अब बाहर की तरफ नहीं करना, अब इन आंखों से सिर्फ स्वयं को देखने का अभ्यास करो। इसलिए प्रकृति से नेचुरली हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और कहते 40 के बाद में तो धीरे धीरे थोड़ा कम दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रकृति या फिर कहें कि मनुष्य आत्मा ने वो साधन बना लिए है कि वो आंखों की रोशनी को भी हम बढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ साधन का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। लेकिन प्रकृतिक रूप में वो सारी चीजें हो रही हैं, अर्थात प्रकृति भी अभी चाहती है कि आप अपने तरफ आ जाएं, स्वयं की तरफ आ जाएं, स्वयं को देखना शुरू करें। कानों की जो शक्ति है सुनने की वह भी कम होने लगती है, तो प्रकृति कहती है कि अभी दुनिया की जितनी बातें सुननी थी, जितनी जरूरी थी आपके जीवन में, उतनी आपने सुन ली। अब बाहर की आवाजें नहीं सुनो, अब सुनना है तो अपने अंदर की आवाज को सुनो, परमात्मा की आवाज को सुनो, भगवान की आवाज को सुनो। वाणी भी लड़खड़ा जाती है, उसकी भी गति कम हो जाती है, कभी कभी शक्ति क्षीण हो जाती है, अर्थात संसार में इस वाणी के माध्यम से जो भी कुछ करना था, जो कमाना था, जो भी देना था, वो अब सब दे चुके हो। इस वाणी का प्रयोग करके आपने जीवन में अनेक सफलताओं को प्राप्त किया हुआ होगा, इस वाणी से अनेकों को सुख दिया होगा। अब प्रकृति कहती है कि इस वाणी का प्रयोग अब स्वयं से बातें करने के लिए करो, क्योंकि जीवन यात्रा में हमने सबसे बातें की, सिर्फ स्वयं से नहीं और अपने पिता परमात्मा के साथ में नहीं, तो अभी वाणी भी कमजोर हो जाती है, अर्थात प्रकृति चाहती कि हम स्वयं से और बाबा से बातें करें। तो हम देखते हैं कि प्रकृति के रूप में भी शरीर में जो परिवर्तन होता है वह हमें अपने उन्नति की तरफ, कहें अपने आप की तरफ, परमात्मा बाबा की तरफ लेकर जाने के लिए ही होता है। इसलिए हर समय जीवन का हर पड़ाव बहुत अच्छा होता है, बस उसकी गति को, उसकी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार जीवन में हो रहा परिवर्तन हमें दुख की वजह लगता है, परंतु ऐसा नहीं,
बाबा तो कहते हैं कि इस ड्रामा में सारी बातें कल्याणकारी है, इससे किसी का भी दोष नहीं, कोई भी बात अकल्याणकारी नहीं है। तो वानप्रस्थ की अवस्था अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों को संसार के सर्व बातों से निवृत्त कर दिया है और स्वयं की तरफ और परमात्मा बाबा की तरफ लगा दिया है, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां रूपवान तो बन नहीं सकते, क्योंकि रूप का कोई अभी काम नहीं है। इसलिए देखिए वानप्रस्थ की अवस्था में आत्माएं अपने आप को ज्यादा सजने संवारने में समय नहीं बिताते, वह बस थोड़ा सा ठीक ठाक रह जाए उतना ही उनके लिए बहुत हो जाता है। वो ज्यादा बुद्धिमान बनने की भी कोशिश नहीं करते, बस जितनी बुद्धि उनको मिली है उनका ही वो प्रयोग करते हैं। और एक बात और होती है, जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं ना, भूलने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये भी बहुत जरूरी है वानप्रस्थ अवस्था में भूलने की आदत। हमको ये लगता है कि कैसे भूलना, कोई जगह का पता भूल जाना, जिस रास्ते से आए वो रास्ता ही भूल जाते हैं। अभी अभी किसी व्यक्ति को मिलते हैं और फिर उस व्यक्ति को भी भूल जाते हैं। वो कहता है कि अंकल अभी तो मिले थे आपसे। हम कहते हैं बेटा थोड़ा अभी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। तो समय अनुसार ये जो सारी चीजें हो रही है ये वानप्रस्थ अवस्था के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इस समय जैसे वानप्रस्थ का जो समय होता है उस समय में बुद्धि का भी ज्यादा कार्य नहीं है अभी, तो इसलिए बुद्धि भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। उस समय धन का क्या प्रयोग करेंगे? धन से जो सेवा करनी थी, धन से जितने को सुख देना था, अपने अंतिम समय के लिए जितना इस अंतिम यात्रा को पूर्ण करने के लिए जितना धन चाहिए था उतना कमा लिया। अब ज्यादा धनवान बनने की किसी के आश नहीं रहती है। तो रूपवान हो गए, धनवान भी हो गए, बुद्धिमान का भी प्रयोग हमने होकर कर लिया। अब जो है इस समय भगवान की तरफ तन होने का होता है, इसीलिए भी वानप्रस्थ अर्थात भगवान के तरफ परमात्मा बाबा के तरफ अभी प्रस्थान कर लेना है। तो वानप्रस्थ जीवन में ये सर्व बातें होनी चाहिए होती है। तो बाबा कहते हैं कि संसार के लोग तो देह के आधार से वानप्रस्थी होते हैं, लेकिन अभी हरेक जो बाबा का बच्चा है, जो ईश्वरीय कुल में है, जो ब्राह्मण बच्चा है, वो हर एक बच्चा भी वानप्रस्थ अवस्था में है। चाहे वो आयु में 10 साल का ही क्यों न हो, चाहे वो आयु में 90 साल का क्यों न हो, जितने हैं शुरुआत में आयु ही आत्माएं हैं, तो उस अनुसार अभी 5000 साल नियर अबाउट खत्म होने को है हम आत्माओं के लिए। तो अभी हम वानप्रस्थ अवस्था में है, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, चाहे वो कोई बच्चा हो। तो अभी बाबा कहते हैं कि बचपन के जो खेल होते हैं उन खेल को अभी समाप्त करो। एक छोटा बच्चा आप देखें, हम देखते हैं कि वो बहुत एक्टिव होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहता है, बहुत बिजी होता है। और बिजी किन बातों में होता है? वो बहुत छोटी छोटी बातें, आपने देखना कि एक लड़की अगर हो, कन्या हो, तो वो मतलब वो खेल रचेगी, छोटी छोटी गुड़िया लेकर आएगी, वो मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे, और एक जिसको कहते हैं घर पुल बनाते हैं वो, और फिर वहां पर उसको खेलते हैं उनके साथ में, वो बर्तन वर्तन सब आ जाते हैं। वास्तव में उस खेल से प्राप्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुशी हो रही है खेलने की। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अब जैसे कि पीछे भी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ किस बात के लिए, कि ये जो आलू होता है ना, बस आलू के लिए झगड़ रहे थे। अब वो आलू में क्या रखा हुआ है?
कुछ भी नहीं, लेकिन वो कह रहा है मुझे चाहिए, वो कह रहा है मुझे चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, उसके लिए बच्चे झगड़ते हैं। तो जैसे हम माता पिता अपने बच्चे के इस छोटे से बात के झगड़ने को देखते हैं, तो हमको लगता है कि बच्चे कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, क्या रखा है उस बात में, लेकिन कितना आपस में लड़ रहे हैं। तो बाबा भी ऊपर में से जब हम बच्चों को देखता होगा, जब हम छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप से झगड़ रहे हैं, लोगों से झगड़ रहे हैं, बाबा की नजर में ये जो बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई साधन होगा, कोई धन होगा, कोई मान सम्मान होगा, और भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन बातों के लिए हम अभी भी कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो बाबा भी कहता होगा कि ये बच्चे कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कि वर्तमान समय में संगम युग का ये अमूल्य समय है और इस अमूल्य समय को ये व्यर्थ कर रहे हैं छोटी छोटी बातों में। तो बाबा कहते हैं कि बचपन की ये छोटी छोटी बातें अभी समाप्त करो, इसका समाप्ति समारोह मना, और वानप्रस्थी हो आप, तो अभी प्रस्थान कर लिया है, तो जो वानप्रस्थी होता है उसने वाणी से प्रस्थान कर लिया, दोनों प्रकार की वाणियों से, एक है हमारी साकार वाणी और दूसरी है हमारी आकारी वाणी, अर्थात एक होती है हमारी साकारी इच्छाएं और दूसरी होती है हमारी आकारी इच्छाएं। इन दोनों प्रकार की इच्छाओं से अभी हम ने प्रस्थान कर लिया है, अब न साकारी कामनाएं हैं न कोई आकारी कामनाएं हैं, इन दोनों कामनाओं से जो मुक्त है वही सच्चा वानप्रस्थी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि अब वानप्रस्थी में आ गए हो तो बचपन के खेल को खत्म करो, ठीक है। सो ये जो कामनाएं हैं कुछ प्राप्त करने की, जैसे हमने कहा था कि ना रूपवान बनना है, ना धनवान बनना है, ना कोई साधन जमा करना है, ना भी कोई ज्यादा बुद्धिमान बनना है, अर्थात संसार की कोई बुद्धि को प्राप्त करना है, कोई जनरल नॉलेज को ज्यादा प्राप्त करना है, बस अभी तो बस अपने बाबा की याद और सेवा में ही व्यस्त रहना है। तो जो साकारी कामनाएं हैं, इन साकारी कामनाओं से हम आत्माओं को मुक्त हो जाना है, अब कोई और संबंध नहीं बढ़ाने। जैसे युवावस्था में होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम संपर्क में आए, ज्यादा से ज्यादा संबंध का भी धन हम जमा करें, लेकिन वानप्रस्थ अवस्था में जितने लोग हैं उनसे ही बस उतना ही हम लोग उचित व्यवहार करते हैं, उनके ही साथ हम रहते हैं। तो भी बचपन के खेल खत्म हो गए, बचपन के खेल अर्थात ये जो युवा मतलब बचपन से लेकर युवा अवस्था और युवा से वृद्ध अवस्था तक इन कर्मी इंद्रियों से अब जो भी कुछ किया है अब इनसे निवृत्त हो जाना है। ये आंखें जो कामनाएं करती थी, इन आंखों की जो कामनाएं थी संसार को देखने की, उन कार्य से भी निवृत्त हो गए हैं अभी, अब कुछ नहीं देखना है मुझे, अब कुछ नहीं है। नहीं तो बहुत बार ये होता है कि जैसे बच्चों को घूमने की आदत होती है, नए नए स्थान पर जाने की आदत होती है, कल हम एक फैमिली में गए, नए नए नजारे देखना चाहते, तो हम इधर नाश्ता कर रहे हैं, वो आ रहे हैं अंकल अंकल चलो ना घूमने के लिए, तो ये वो नजारे देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और संसार में भी अभी देखो कि वास्तव में वानप्रस्थी लोग ज्यादा घूम रहे हैं, मतलब 60 साल के बाद वास्तव में उन्होंने घूमना कहा था, कहते हैं कि हमने तो जीवन भर बच्चों के पीछे ही अपने सारे समय को व्यतीत कर दिया, हम अपने हिसाब से भी जीना चाहते हैं, देश और दुनिया में घूमना चाहते हैं। अब जिसकी जैसी धारणा होगी, जैसी जिसकी जिसका इंटरेस्ट होगा उस अनुसार वो उन स्थानों पर जाते हैं। तो जनरली लोग पहले तो वो चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं,
और फिर देश विदेश में जिसकी जैसी आर्थिक अवस्था उस अनुसार वो संसार को देखते हैं। फिर भी मतलब संसार में इतना कुछ देख लिया, फिर भी संसार को देखने की कामना रही गई। इसलिए फिर अंतिम समय तक उस स्वयं को नहीं समझ सकते कि वो कौन है, क्या है और कैसे है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। और फिर अपने जीवन का जो अमूल्य समय मिला था, ये जीवन जो अमूल्य मिला था, उस जीवन को भी बस एक साधारण से जीवन में जीते हैं। अर्थात आए बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से फिर जो भी हासिल करना था वो हासिल कर लिया, और फिर अपने जीवन को वानप्रस्थ अवस्था में लेकर आए और फिर वैसे ही साधारण रीति से संसार से चले गए। कोई ऐसा विशेष लक्ष्य अपने जीवन का नहीं था, समझ लिया था कि बस मतलब इस प्रकृति में एक कार्य करने के लिए बस आए और कार्य करके चले गए। सो संसार में इतनी सारी बातें जो अनुभव कर लिए, देख लिया, हो गया है। अब बाबा कहते हैं कि आप बच्चे वानप्रस्थ हो, इसलिए बाबा कहते हैं अब क्या देखना है संसार में। बाबा के बच्चों को अभी कुछ देखने की कामना नहीं है इस संसार को, क्या देखोगे बच्चे। बाबा कहता है क्या रखा है इस संसार में, ये तो सब कलयुग है, ये रावण राज्य है, ये कंसपुरी है, यहाँ तो सब छींची है। छींची शब्द का प्रयोग करता है बाबा, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए कहता है ये छींची है, मतलब इसको हाथ मत लगा, कोई चीज गिर जाती है तो कहते छींची हो गया। तो बाबा देखो हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अभी संसार में देखने लायक कुछ भी नहीं है, कोई सार ही नहीं बचा है, इसलिए फिर इधर जाना है उधर जाना है, इन बातों में अपने समय को, संगम युग के अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करो। बहुत बार बाबा के ब्राह्मण बच्चे ज्ञान में तो आ जाते हैं, ज्ञान को समझ जाते हैं, समय को समझ जाते हैं, बाबा को समझ जाते हैं, जीवन के लक्ष्य को भी समझते हैं, और फिर कभी कभी बीच में कहते हैं कि थोड़ा ना इधर जाना बाकी रह गया, हम थोड़ा इधर घूम के आते हैं उधर घूम के आते हैं, और पिकनिक करने के लिए जाते हैं, अलग अलग स्पॉट पर जाते हैं। ठीक है, हम अपने मधुबन घर जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन संसार को देखने की कामना अभी हमारी नहीं हो सकती। इसमें समय, शक्ति, धन सब कुछ चला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी आप वानप्रस्थी हैं, तो बचपन के खेल को समाप्त करो, अभी आंखों से कुछ देखना ही नहीं है। और अपने परिवार में भी जब रहते हैं ना, तो इन आंखों का प्रयोग करना ही नहीं है हमें। अभी अपने बच्चे दिखते हैं, बहू दिखती है, नाती पोते सब दिखते हैं, अब सोचते हैं कि यही मेरा संसार है, इनको ही मुझे देखना है। वास्तव में इन आंखों का प्रयोग ही नहीं करना है अभी इस परिवार में रहते हुए भी। अभी मुझे कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है कि ये क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ भी देखना नहीं है मुझे। अभी मैंने जो करना था अपने जीवन में, इन आत्माओं को जो संस्कार देने थे, जो धन देना था, जो सुविधाएं देनी थी, जो पढ़ाना था, वो मैंने अपने जीवन में सब कर लिया है। अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, किसी को सुधारना नहीं है कि इसने ऐसे किया तो अच्छा होगा, उसने ऐसे किया तो अच्छा होगा, अभी मुझे किसी को सुधारना नहीं है। अर्थात मुझे कुछ देखना ही नहीं है अभी इस दुनिया को, दिखाई तो देगा लेकिन अभी सर्वश्रेष्ठ जो बात हमारे को मिली हुई है बाबा का ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से बाबा की याद और सेव, मतलब याद। सो परिवार में भी हम बाबा कहते कि अभी आप वानप्रस्थी हो गए हैं, तो इन आंखों से अभी ये साकार दुनिया को नहीं देखना है, ये जो साकारी कामनाएं उत्पन्न नहीं करनी है। चलो मैं तो ज्ञान में आ गया, अब मेरे बच्चे भी जरा अच्छे बन जाए, आपस में बहुत प्यार से रहे, एक दूसरे से प्यार से बात करें, ज्यादा कोई कामना नहीं है कि वो मेरी सेवा करें, मेरे लिए कुछ करें, नहीं, लेकिन वो अपने आप में भी अच्छे रहे, आपस में एक दूसरे से स्नेह से रहे, प्रेम से रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी जो भी कामनाएं हैं हमारी, अर्थात ये जो हम देखना चाहते हैं, अभी देखने से भी निवृत्त हो जाए। अभी मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया है, अभी कुछ नहीं, अब जो है जैसे है, बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में,
मेरा उसके साथ कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अब मेरा एक ही कर्तव्य है कि सदैव अपनी शुभ वृत्ति में रहना और शुभ दृष्टि से सबको देखना, इनका भी कल्याण हो जाए, बस इसके व्यतिरिक्त तो कुछ नहीं देखना। ये हो गए हम वानप्रस्थी आंखों से। कानों से भी बातें हमारे कानों पर पड़ती हैं, मतलब आवाजें आती हैं, कुछ कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ। तो ये जो आवाजें आती हैं किसी के बारे में, किसके बारे में, ये जो कानों पर बातें आती हैं, इनको भी अभी नहीं सुनना है, क्योंकि जो सुनना था, जिसके लिए जो सुनना था, वो सुन लिया है। अभी अपनी निवृत्त हो जाना है कानों से, वानप्रस्थी हो गए। अभी अभी कुछ नहीं सुनना है किसी के बारे में, कभी उसके बारे में, कभी इसके बारे में, कुछ नहीं सुनना है। करना क्या है इन सर्व बातों को सुनकर? तो बाबा कहते हैं कि ये बचपन के खेल है, इन खेल को बंद करो, क्योंकि अभी सुनेंगे किसी के बारे में, देखेंगे किसी को इस प्रकार से, तो बोलना तो है ही, फिर तो ये वाणी भी व्यक्त में आ जाएगी, कामनाएं व्यक्त होगी इस वाणी से। तो ये वाणी को भी अभी प्रयोग में नहीं लाना है ज्यादा, संसार की कामनाओं को व्यक्त करने के लिए। बेटा मुझे नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि आप ये करो, इतना ही करो, मुझे कोई ज्यादा आपसे कामनाएं नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सारे बचपन के खेल है, इन खेल का, इन बातों का अभी समाप्ति समार हो मना। अपना कोई साकारी कामनाएं है, अपना कोई आकारी कामनाएं है, आकारी अर्थात सूक्ष्म कामनाएं, कि जैसे मुझे पूछना चाहिए, मुझे मुझसे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा तो हाल हवाल पूछे, नहीं बार बार फोन करें, लेकिन एक बार तो फोन करें, थोड़ा तो मान दे, थोड़ा सम्मान दे, थोड़ी तो खुशी दे। तो ऐसी बहुत सारी जो सूक्ष्म कामनाएं भी है, हम मनुष्य आत्माओं की बाबा कहते हैं, हम ब्राह्मण आत्माओं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम वानप्रस्थी है। दोनों प्रकार की जो वाणी है, ये मुख की वाणी अर्थात साकार, और मन की भी वाणी, मन भी अभी कोई कामनाएं उत्पन्न नहीं करता, इच्छा मात्र अविद्या अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे वानप्रस्थी हो तो अब ये सारे खेल खत्म करो बचपन के, क्योंकि जीवन का बहुमूल्य समय इन सर्व बातों में आपने दे दिया है। जो करना था, जो प्राप्त करना था, जो संसार को देना था, वह आपने दे दिया। लौकिक में अगर आयु हमारी बहुत ज्यादा है, 40, 50, 60, 70 जो भी होगी, तो हमने अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो करना था, वह अभी हमने कर लिया है। और हम ब्राह्मण बने हैं, चाहे जो युवा हो गए, उम्र शरीर से भले युवा हो गए, लेकिन इस संसार के चक्र में, ड्रामा में भी, जिस समय पर जो रोल हमको मिला था इस संसार के, मतलब संसार को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य हमने करना था, वो द्वापर से लेकर इस कलयुग के अंत तक में जो भी देना था, वो अभी हमने दे दिया है। अभी बस हमें निवृत्त हो जाना है इन सब बातों से, अपने आप में आ जाना है, अपनी अवस्था में आ जाना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये जो सारे बचपन के खेल हैं, सारे समाप्त कर दो और इसका समाप्ति समारोह मना। तो ऐसी वानप्रस्थी अवस्था वाली जो आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वही ये जो आत्माएं जो होती हैं, तो इसके लिए वही त्रिकालदर्शी होकर इन खेल को खत्म करती हैं। तो त्रिकालदर्शी मतलब ही अभी हमें तीनों कालों का ज्ञान है, हमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो समय को जानने वाली, समय को पहचानने वाली आत्माएं अगर छोटी छोटी बातों में मान अपमान शान, इन सर्व छोटी छोटी बातों में अगर अपने समय को गंवा देगी, व्यस्त गंवा देगी,
तो फिर परमात्मा के पास में आने का, इस संगम युग के महत्व का परिचय मिलने का सारे संसार की वानप्रस्थ अवस्था है, ये चक्र की वानप्रस्थ अवस्था है, अभी उस सबको वापस ले जाने का समय है। तो ऐसा ये संगम युग का अमूल्य समय हम बच्चों को मिला है, तो अभी ये बचपन के नाज नखों में नहीं गंवाना है। जैसे छोटे बच्चे सुबह सोए रहते हैं तो हम देखते हैं उनको सोया हुआ, तो उनको सोने देते हैं, जब माँ उठाती है तो कहते हैं नहीं बाद में उठता हूँ, तो ठीक है बाद में उठो। लेकिन अभी वानप्रस्थी अवस्था में आ गए, तभी वो बचपन के नाम नशे नहीं है, अभी अलर्ट हो गए, समय का परिचय मिल गया, बाप का परिचय मिल गया। तो सुबह उठना है या नहीं उठना है ये कोई चॉइस नहीं है कि आज उठे कल नहीं उठे फिर परसों उठे, ये चॉइस नहीं है, उठना ही है, सुबह का वो अमूल्य समय सफल करना ही है। तो छोटे छोटे नाच नखरे जैसे बचपन में थे अभी वो नहीं करने हैं, अभी हमारे जीवन में एक ही कार्य रह गया, अभी बाप की याद और सेवा, इसके अलावा कुछ देखना नहीं, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं, इसके अलावा कुछ बोलना नहीं और इसके अलावा कुछ करना नहीं, बस एक ही कार्य है। हम बाबा कहते उठो तो भी याद और सेवा, और जब सोते हैं तो भी याद और सेवा, इसके अलावा हमें और कुछ याद नहीं है। तो ऐसी वानप्रस्थ अवस्था वाली आत्माएं हम सभी हैं। तो बाबा कहते हैं आप सभी त्रिकालदर्शी तो हो, समय को जानते हो, स्थान को जानते हो, चक्र को जानते हो, बाबा को जानते हो, ये बाबा अब पुनः जब मिलना है तो सिर्फ 5000 साल के बाद मिलने हैं, तो अब सिवाय उनकी याद के और कुछ नहीं करना है, और वो आए हैं तो उनकी खिदमत में हम सभी हैं, उनकी सेवा करनी है बस, उसके अलावा और कुछ कार्य अभी जीवन में बाकी नहीं है। बाकी सारे संसार को याद कर लिया, अब किसी की बातों को याद नहीं करना, किसी के भाव स्वभाव संस्कार को याद नहीं करना, अब किसी के कर्म को याद नहीं करना, किसी ने दिए हुए कुछ अनुभव को याद नहीं करना, जो जीवन में दुख अनुभव कराए, हो गया सब। अब एक ही बात याद करनी है, वो है मैं आत्मा और मेरा बाबा। अब सेवा भी जो है, जो भी मैं कर रहा हूँ वह भी बस बाबा की सेवा है। अब कोई किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, किसी को कुछ सहयोग दे रहा हूँ, तो मैं किसी व्यक्ति की सेवा ही नहीं कर रहा। अब जो भी हो रहा है मेरे से बस वो मेरे बाबा की सेवा है। मैं अगर किसी के लिए भोजन बना रहा, किसी की कुछ भी व्यक्तिगत सेवा भी हो रही है मेरे से, तो वो भी किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है, बस मैं और मेरा बाबा, बस मेरे बाबा की सेवा चल रही है। सोता हूँ तो बाबा की सेवा, बाबा की याद में। तो ऐसे अभी हम सभी बाबा के बच्चे वानप्रस्थ हैं, और वानप्रस्थ अर्थात कर्मेंद्रियों से निवृत्त हो गए हैं, अभी संसार का कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकता, अब संसार की कोई भी चीज हमें नहीं दिख रही है, वह सुंदर है या नहीं है कैसी भी कोई नहीं दिख रही, बस वानप्रस्थी हो गए हैं। और ये जो वानप्रस्थी अवस्था वाली आत्माएं होती हैं, वही अपने पुरुषार्थ में फिर आगे बढ़ सकती है, अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। जब तक वानप्रस्थ नहीं बनते तब तक सफर ही शुरू नहीं होता, थोड़ा शुरू करते हैं फिर वापस आते हैं, फिर संसार की तरफ जाते हैं, फिर समझ में आता है अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर बाबा की तरफ जाते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर वापस थोड़ा, तो ये आना जाना चलता रहता है ऐसी आत्माओं का। जो संपूर्ण निवृत्त है, संपूर्ण वानप्रस्थी आत्माएं हैं, वही अपने पुरुषार्थ में, अपनी याद और सेवा के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी अपनी निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले आप अभी सच्चे सच्चे वानप्रस्थी आत्माएं हो। तो ऐसे आप सभी वानप्रस्थी आत्माओं को
निरंतर याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आप सभी महान श्रेष्ठ आत्माओं को स्नेह भरा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।